यही है राधा रानी कृपा बरसाए रखना तो मेरी आंखें भर भर आती हैं, तुम दे रही हो मुझे बेसबब, तुम दे रही हो मुझे बेसबब। हाथ उठने से पहले मेरी झोली भर दी जाती है, मेरी झोली भर दी जाती है, मेरी झोली भर दी जाती है। हाथ उठने से पहले मेरी झोली भर दी जाती है। यहाँ कितने भक्तों को विश्वास है कि किशोर जी से जो मांगो वो मिल जाता है, लेकिन हमारा मानना कुछ अलग है। वो डिपार्टमेंट अलग होंगे जहां मांगने से मिलता हो, वो डिपार्टमेंट अलग है जहां मांगने से मिलता हो। मेरी किशोर जी के दरबार में तो बिना मांगे मिलता है, बिना मांगे। अभी पीछे हमारी लाडली बहन पूनम दीदी, हाँ, उनसे चर्चा हो रही थी। तो ऊंचा गांव में कोई संत रहते हैं, वो कभी कभी दर्शन करने आते हैं महल में, कभी कभी आते हैं 15-20 दिन में। तो वो बता रही थी दीदी कि भाई उन्होंने किसी भक्त से पूछा कि तुम तो आए दिन बरसाने आते हो, क्योंकि हाँ हाँ हर हफ्ते हर 10 दिन में चक्कर लगता है श्री जी की कृपा से। एक बात बताओ कि अगर श्री जी रीझ जाए किसी भक्त पर तो कम से कम क्या देती है, कम से कम? उस भक्त ने कहा, आप कम से कम कहते हो, अरे पूछो ज्यादा से ज्यादा देती है हमारी लाडली, ज्यादा से ज्यादा देती है। बाबा ने कहा, मुझे ज्यादा की चिंता नहीं है, मुझे तो बस इतना बताओ कि अगर किशोरी जी किसी जीव पर किसी भक्त पर रीझ जाती हैं तो कम से कम क्या देती हैं। अब सकुचाने लगा व्यक्ति का, बाबा इतना गूढ़ प्रश्न है हम तो समझ नहीं पाएंगे, आप ही उत्तर दे दो, चरणों में बैठ गए। बाबा ने कहा, फिर भी कुछ सोच के बताओ, तुमने कहा ज्यादा से ज्यादा देती है, क्या क्या देती है ये बताओ। उसने बहुत कुछ बता दिया, ज्यादा रीत जाए तो भक्ति दे देती है, उससे ज्यादा रीत जाए वृंदावन ब्रज का वास दे देती है, उससे ज्यादा रीत जाए तो ये कर दे वो कर दे आवागमन से छुटा दे, अनेकों प्रकार के उन्होंने उत्तर दे दिए। बाबा के नेत्रों में अश्रु आ गए, कहा प्यारे अभी यानी कि तू आ तो रहा है लेकिन बरसाने के चक्कर काट रहा है, अभी श्री जी के स्वभाव से परिचित ही नहीं। कहा बाबा आप बताओ। कहा सुनो, अगर मेरी लाडली किसी भक्त पर भीज जाती है ना, तो अगर कम से कम भी देना चाहे तो कम से कम में वो श्याम सुंदर का हाथ थमा देती है, उस भक्त के श्याम सुंदर से मिलन करा देती है। सोचो इतनी करुणामयी सरकार, अथाह भंडार भरा हुआ है उनकी कृपा का ना? हम लोग अगर पहुंच जाएं और एक बार बस हृदय से पुकार ले किशोरी जी का नाम, तो वो क्या क्या नहीं कर सकते, क्या क्या नहीं कर सकते। बस बरसाने पहुंच जाओ, वृंदावन पहुंच जाओ। हम लोग श्री जी को निहारते हैं, कई बार रोने भी लगते हैं, आंसू भी आ जाते हैं, लेकिन हम अपनी बताएं, कई बार निहारते हुए आंखों में आंसू आ जाए तो उस समय भी श्री जी याद नहीं आती, उस समय भी अपना पिछड़ा याद आने लगता है श्री जी कि हम ऐसे थे, ऐसा आपकी कृपा ने कर दिया, ऐसा आपकी कृपा ने कर दिया। हाँ, आपका नाम कीर्तन गाते हैं, दुनिया में घूम रहे हैं, अब खूब प्रतिष्ठा भी हो गई है, खूब मान सम्मान भी मिलने लगा है, लेकिन रोना आज भी उसके लिए नहीं आया, आज भी नहीं आया। बस सदगुरुदेव की कृपा हो, हम हमेशा गरीब कौन है जिस पे रहने को ना हो खाने को ना हो, वो भाई गरीब नहीं होता, वो गरीब नहीं होता, वरना तो सुदामा जैसे को द्वारकाधीश हृदय से ना लगाते। हाँ, कहाँ द्वारकाधीश, कहाँ निर्धन सुदामा, कहाँ बराबरी। भक्त सदना को हृदय से अपनी निज पालकी में बैठा के जगन्नाथ भगवान ना बुलाते, गरीब वो नहीं जिस पे रहने खाने को ना हो,
गरीब हम जैसे हैं जो भक्ति से विहीन हैं, अभी अभी किशोर जी के प्रेम से विहीन हैं, अभी भजन से दूर हैं। जिसके जीवन में भजन नहीं उससे बड़ा निर्धन कोई नहीं है। इसलिए किशोर जी से जब भी मांगो बस कृपा में यही मांगना, सरकार आप इतनी कृपा करना। अगर आप गुण पर ना जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, ये बांके बिहारी का स्वभाव हो सकता है, लेकिन हमारी किशोर जी तो कभी कभी भक्तों के अवगुणों पर भी रीझ जाते हैं। ये भोला है, ये नासमझ है, ये मूढ़ है। अगर इसे यहाँ से भी दूर कर दिया तो जाने कहाँ कहाँ जाके भटकेगा। इसलिए जो जीव एक बार बरसाने पहुंच जाता है फिर किशोरी जी उसे कहीं और जाने नहीं देती, कहीं नहीं जाने देती, कहीं भटकने नहीं देती है। मंजिल तो मिल ही जाएगी भटक कर ही सही प्यारे, गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं। एक बार बरसाने तक पहुंच कर देखो, अगर श्री जी बहा ना पकड़े तब कहना। इसलिए जीवन की अंतिम श्वास तक बरसों की कृपा की याचना करते रहना, उनकी कृपा को मनाते रहना और पुकारते रहना श्री जी को हृदय में बसा के, भाव से पुकारो भैया। मेरी विनती यही है राधा रानी कृपा बर, हे राधा रानी हे महारानी हे राधा रानी श्री राधा 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 Thank you.
दर पे आ गया, छोड़ दुनिया के झूठे नाते सारे, ईश्वरी तेरे दर पे आ गया। यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना।